ना पेज नंबर 32 पे आके जाके यहाँ पे भी स्किप लिखा था, इसको हम रब करेंगे, रबर से इसको सारा रब कर देंगे। फिर यहाँ भी हम सी डॉट डब्ल्यू की डेट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 10 अप्रैल, और इसके आगे लिखा हुआ है वाओ है वो, इधर दो दफ़ा वाओ है वो लिखेंगे, दो दफ़ा ये हैं, दो दो दफ़ा ये सारा लिखेंगे। पेज नंबर 32 इसको पढ़ना भी है आपने, और पेज नंबर 29 पे भी ये आपने नीचे सारा लिखना है। उसके बाद खोलेंगे हम अपनी उर्दू की कॉपी, उर्दू की कॉपी में हम ऊपर लिखेंगे 10/4/2020, फिर लिखेंगे जमात का काम, और दिन क्या है, कल जुम्मा जी। बहुत सी दुआएं करनी है सब बच्चों ने मिलके कि अल्लाह मियाँ इस करोना को हमारे मुल्क से ख़त्म कर दें, बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें, और तमाम लोगों को महफूज रखें। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर एक लाइन छोड़ दी, यहाँ पे हमने लिखा ये देखिए लाइन से थोड़ा सा नीचे, बहुत नहीं और गोल करके चलाना, ये वो है क्या किया हमने, ऊपर लिखा। अगर आपको लिखने में मुश्किल हो रही है तो मामा से कहना आपने कि आपको इसके बीच में लाइंस लगा दें, जो कि मैंने नहीं लगाई, लेकिन आप अगर लगाना चाहो तो आप लाइंस लगा सकते हो। इसी तरह आपने पेंसिल से इसके नीचे पूरे पेज पे लिखना है ये, इस पेज पे लिखना है वो, इधर है और हैं। ठीक है, ये भी आपका क्लास वर्क है। और बुक में पेज नंबर 29 और आपका है पेज नंबर 32। ठीक है, आपका सी डॉट डब्ल्यू क्या है, कॉपी में, ठीक है, कॉपी में लिखना है आपने। और होमवर्क में आपने पेज 32 की रीडिंग करनी है, ये देखें पेज 32 की पढ़ाई करनी है। होमवर्क आपका क्या है, पेज 32 की पढ़ाई। और सी वर्क में आपने अपने क्लास वर्क में अपना जो है, आपने बुक में भी करना है अपना काम। कौन सा काम करना है, पेज नंबर 29 और 32 पे जो आपके इमदादी अल्फाज ये वो हैं लिखे हुए हैं, आपने इनको नीचे से लिखना है। ठीक है, पढ़ना और लिखना है, पढ़ें और लिखें पेज नंबर 29 और पेज नंबर 32। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।